हेलो बच्चों, मोशन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे? HNO3। ओके, HNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल बनता कैसे है, इसकी विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, विरचन की विधियों में हम पहली पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाए, देखिए। प्रयोगशाला विधि, देखिए, आपको जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे सभी की प्रयोगशाला विधि, विरचन की विधियां हैं वो आपको पढ़ाई जाएगी, तो ये याद रखनी है बेटे, ठीक है? तो आप क्या करना, ऐसे एक चार्ट बनाना, ठीक है? और चार्ट बनाकर क्या पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसको कंसेप्ट एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे, ज्यादा फायदा होगा। ओके, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, ये कौन है बेटे? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, किसके साथ में बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन होता है? H2SO4। किसके साथ में? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके साथ में रिएक्शन करता है और क्या देता है? नाइट्रिक अम्ल देता है, HNO3 देता है, ठीक है? HNO3 देता है और सोडियम सल्फेट यहां से बाहर हो जाता है। तो यहां पर कौन सी मेथड से यहां पर रिएक्शन हुई है बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से, Na2SO4, सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है और यहां से HNO3 आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अलग मिल जाता है। तो ये कौन सी हुई? डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, पूरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, कोई झोल झाल नहीं है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखना है, तोड़ ताड़ के जोड़ना है, क्लियर? ये होती है केमिकल रिएक्शन की मूल ट्रिक, एक तरीके से देखी जाए तो, है ना? तो कुछ नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है और तोड़ ताड़ के जोड़ना है, ठीक है? पहले से उपलब्ध जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बंधों को तोड़ना है और जोड़ जोड़ के क्या बना देना है, प्रोडक्ट बना देना है। आप लोग ब्लॉक सीखे होंगे, है ना? बचपन में ब्लॉक्स से जोड़ जोड़ के उनको तोड़ तोड़ के आप अलग अलग तरीके की चीजें बनाते थे, बिल्कुल वही काम यहाँ पर करना है। केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है? बट कंसेप्चुअल पूरा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेटेड है यहाँ पर, क्लियर? तो प्रयोगशाला विधि आपको सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल वाली समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य विधियों के बारे में। अन्य विधियों में हम बात करेंगे औद्योगिक विधि की। प्रयोगशाला के बाद हम लगाएंगे इसका उद्योग, है ना? उद्योग लगाएंगे तो हम अलग पेन से लगाएंगे, ये लो जी ग्रीन पेन से लगा देंगे। औद्योगिक विधि में आप जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इस विधि का नाम होता है। यहां पर भी इस औद्योगिक विधि का नाम है ओस्टवाल्ट, ओस्टवाल्ट विधि, है ना? ओस्टवाल्ट भी बोलते थे इसको अंग्रेजी में, ओस्टवाल्ट, है ना? ओस्टवाल्ट नहीं बोल करके अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ट। ओस्टवाल्ट विधि में आप नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार बना सकते हो? अमोनिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना सकते हो। देखो कैसे कैसे बनेगी, अलग अलग स्टेप्स में बनेगी। 4 मोल अमोनिया, कौन है ये? अपनी अमोनिया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी। बोलिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और यहां से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के बाद में आपको क्या मिल जाएंगे? H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर मिल जाएंगे। अब मैडम बना तो नाइट्रिक एसिड रहे हैं, बनना यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रही है, बनने दो, कोई बात नहीं, हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से भी हमारा नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने O है नाइट्रोजन के साथ में? 1। हमको नाइट्रिक एसिड के लिए कितने चाहिए? 3। तो अपन को क्या करवाना पड़ेगा? इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन के साथ में आप इसकी रिएक्शन करवा दो तो इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, ये लो जी NO2 बन गया। अब मैडम तभी भी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, रुको जरा सबर करो। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसको अब क्या क्या चाहिए? 1 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। ये देने के लिए हम इसको क्या करेंगे? वाटर के साथ में मिक्स करा देंगे। वाटर के साथ में मिक्स करवाते ही आपको क्या मिलेगी?
एक मिनट, एच एन ओ थ्री यहाँ से मिल जाएगी, देखो एच एन ओ थ्री मिल गई मेरे को तो, मिल गई देखिए एच एन ओ थ्री यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को, और जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं वो साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से अपन एच टू ओ को एक ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एलो जी एच एन ओ टू बनानी है, ये लो एक एच एक एन और तीन ऑक्सीजन, क्लियर है क्या? अब जो बचे हैं उनको साइड में लिख दो, कितने नाइट्रिक अम्ल बनेंगे? दो नाइट्रिक अम्ल बन रहे हैं, अच्छी बात है, दो ही बन रहे हैं यार, दो हाइड्रोजन है तो दो ही नाइट्रिक अम्ल बनेंगे। तो अब यहां से क्या अलग नजर आ रहा है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, अच्छी बात है, खराब बात है? बढ़िया बात है। उद्योग आपने लगाया, आप कच्चा माल लेके आए, ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने कोई उद्योग लगाया नाइट्रिक अम्ल बनाने का, नाइट्रिक अम्ल बनाने के उद्योग में आपको कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ताकि क्या मिल सके आपको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल सके बेटे, है ना, यानी कि आपको कच्चे माल को भी ट्रीट करना पड़ रहा है, जब जाकर के आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल रही है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फ्री में पड़ी हुई अपनी ऑक्सीजन जो है उसके साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, फिर उसमें पानी मिला दो तो आपको HNO3 मिल जाएगा, यही हो रहा है ना। अगर कैसा हो कि बना बनाया ये अपने को ऑलरेडी ही मिल जाए, है ना, तो इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा के NO2 बना करके उसमें पानी मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। तो बढ़िया उद्योग है भाई, उद्योग कौन सा अच्छा होता है, जिसमें कच्चा माल कम लगे प्रोडक्ट ज्यादा मिले, तब जाकर के अमीर हो जाओगे। तो ओसवाल्ड ने आप सबको अमीर बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल की विधि यहाँ पर प्रस्तुत की है, जरा इसको एक नजर देख लें। और वो ऊपर प्रयोगशाला विधि है जिसमें सोडियम नाइट्रेट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मिलकर के नाइट्रिक अम्ल बनाता है और सोडियम सल्फेट सॉल्ट जो है वो अलग हो जाता है, क्लियर है? अब देखो उद्योग आपने लगा लिया, उद्योग लगाने के बाद में आपको नाइट्रिक अम्ल भी यहाँ पर प्राप्त हुआ, पर ओस्टवाल्ड विधि से प्राप्त जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना बेटा, इसमें नाइट्रिक अम्ल तो होता है HNO3 आपका, इसमें आपका नाइट्रिक अम्ल, इस विधि से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल जो है ना बेटे वो आपको 68% तक ही मिलता है, यानी कि 68% कॉन्सेंट्रेटेड तक ही आपको नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त होता है, बाकी जो यहाँ पर होता है वो होता है H2O, बचा हुआ जितना भी परसेंटेज है 12% 13% सॉरी 28% 6800 यार माइनस करने पे कितना आएगा, मेरी मैथ्स जरा कमजोर है तो मेरे हिसाब से 32% यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ना यहाँ ओस्टवाल्ड विधि से प्राप्त जो नाइट्रिक अम्ल है उसकी 68% सांद्रता आपको प्राप्त होती है, और यानी कि 32% अगर 68% सांद्र HNO3 आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो 32% तक डाइल्यूट है, 32% तक उसको तनु माना जाएगा भाई, अगर 68% कोई भी चीज सांद्र है तो इसका मतलब 32% तक वो कैसी है, डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो इसको इससे अब इससे ये जो दोनों मिक्सचर है ना HNO3 और H2O का 68% और 32% वाला जो मिक्सचर है ये एक स्थिर क्वाथी मिक्सचर बनाता है बेटा, कैसा मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण है, यानी कि यदि आप इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू यदि अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो ये दोनों अलग नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वाटर मॉलिक्यूल पहले उड़ जाए और इसका जो HNO3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो ये दोनों आप जो है डाइल्यूशन वो डिस्टिलेशन मेथड से या प्रभाजी आसवन से आप इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक स्थिर क्वाथी मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। इसको इसमें से यदि आपको पानी कम करना है ना तो एक ही आदमी डालना पड़ेगा, कौन, बॉस, बॉस कौन है, सबका बॉस H2SO4। अक्षय कुमार की एक बढ़िया सी फिल्म आई थी, है ना, सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बॉस, है ना, वो बॉस क्या करता था, बहुत मेहनत करने के बाद में से पानी बोलता था, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। तो देखो ये H2SO4 कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है, सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना बेटा उसका एक ही काम अगर होता है, पानी निकाल लेगा, जहां भी देखेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाएगा, है ना, यही उसका काम होता है, प्यासा कौवा कहती हूँ मैं केमिस्ट्री का, है ना, एक कौवा प्यासा था घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकर घड़े में डाले कंकर, पानी आया बाहर और फुर पानी पी के, तो इसका काम यही है, दिस इज अ प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो ऑफ अ केमिस्ट्री, ये जहां भी देखेगा वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। तो जब स्थिर क्वाथी मिक्सचर ये आपको जब मिला, इसमें जब आप H2SO4 मिलाओगे तो H2SO4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 मिलाने पर 98% तक
कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र HNO3 आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये कितना सारा पानी पी जाएगा, ये देख लो 30% पानी पी जाएगा यहाँ से। हाँ, थर्स्टी ग्रो क्या करेगा, थर्स्टी ग्रो आएगा इस गड्ढे में, कंकर डालेगा और पानी ऊपर आ जाएगा और पानी ये पी जाएगा और आपको 98% तक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ओस्वाल्ड विधि को मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ बच्चे, कि ओस्वाल्ड विधि से आपको यदि औद्योगिक विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवानी पड़ेगी। अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यहाँ निकले वाटर मॉलिक्यूल्स का ही इस्तेमाल करते हुए क्या बना लेगा, आपका नाइट्रिक अम्ल बना लेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा जिससे फिर वापस से आप ये रिएक्शन चला सकते हो। इस विधि से प्राप्त जो HNO3 है वो आपको 68% तक सांद्र HNO3 प्राप्त होगा, यानी कि उसमें 32% क्या होगा, वाटर होगा। और ये दोनों मिलकर के इस अमाउंट में ये लोग दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्थिर क्वाथी मिक्सचर बनाते हैं। यदि आपको इससे ज्यादा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता है तो आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिला दो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसका 30% जो वाटर है वो अब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा, 98% तक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट हम बात करते हैं गुण की बात करते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, यानी कि ये कैसे गुण प्रदर्शित करेगा बच्चों, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, अम्लीय गुण। और अम्ल कौन होता है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट कर दे। देखिए आप HNO3 का यदि आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि आप उसको यदि पानी में मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, H3O+ और NO3-। बोलिए जो अम्ल होते हैं वो क्या दान करते हैं, H+ आयन दान करते हैं। देखिए कर दिया, दूसरे गुण की यदि हम इसकी बात करें, देखिएगा ये तो हुआ इसका कौन सा वाला गुण, अम्लीय गुण। अब अम्लीय गुण के बाद हम बात करें तो ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है, ये ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकारक गुण कैसे प्रदर्शित करता है, आप देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इस HNO3 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक निकालो बच्चों, मैंने आपको सिखाया हुआ है इसका ऑक्सीकरण अंक, जिसका हमको पता नहीं होता उसका हम एक्स रख देते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, +1, और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -6, और टोटल चार्ज 0, तो x -5 = 0, देन x विल बी +5। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, इतना, और ये इसका अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। बताइए इससे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक नाइट्रोजन शो कर सकता है क्या बच्चों, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसका ऑक्सीकरण अंक कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता, है ना, कम हो सकता है बढ़ नहीं सकता, यानी कि ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, अपचयित हो सकता है, है ना, ये सिर्फ अपचयित हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और जिसका रिडक्शन होता है वही कौन होता है, ऑक्सीकारक होता है। बोलिए बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपचयित हो सकता है, और सिर्फ अपचयित होने की वजह से ये दूसरों का क्या करा सकता है, ऑक्सीकरण करा सकता है। तो देखिए HNO3 में, मैं यहां लिख देती हूं, HNO3 में ऑक्सीडेशन नंबर +5 पाया जाता है, जो इसका किसका, नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है, अधिकतम ऑक्सीकरण अंक है। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन में, इसीलिए
रेडॉक्स, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन में यह अपचयित यानी कि रिड्यूस होता, अपचयित होकर अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण कर देता है, अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण करता, अतः ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता। अतः ऑक्सीकारक गुण दर्शाता। बोलो बात समझ में आता? क्या बोलता कि HNO3 में ऑक्सीकारण जो अंक है नाइट्रोजन का वो कितना है? अधिकतम +5। ठीक है, +5 अधिकतम अंक होने की वजह से इसका ऑक्सीकरण अंक और अब ज्यादा बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है। तो ये खुद क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस में अपचयित हो जाते हैं बच्चों, और अपचयित यदि खुद हो रहे हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में दूसरे का क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे, इसीलिए क्या होते हैं? ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? आगे चले। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे हम इसकी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हम देखेंगे कॉपर के साथ, कॉपर के साथ क्रिया। कॉपर के साथ ये किस प्रकार क्रिया करता है? कॉपर के साथ देखिए नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया शो करता है बच्चों। ये आपने लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर आपने अभी कैसा लिया? एलिमेंटल फॉर्म में लिया है, ठीक है। अब एलिमेंटल फॉर्म में आपने जब कॉपर लिया है तो HNO3 रिएक्शन किसके साथ में करवानी है बेटा? नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवानी है। किसकी करवानी है? कॉपर की करवानी है। तो देखो कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्ट करता है ना तो क्या बनाता है? CuNO3 बनाता है, कॉपर अपना नाइट्रेट बनाता है, यानी कि कॉपर नाइट्रेट के साथ में मिलकर के एक लवण बनाता है। अब लवण बनाने के लिए कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर का आपको पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या मुक्त हो जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? और एक रिएक्शन और है, अभी रुको अभी समझाती हूँ कि एक रिएक्शन और है कि कॉपर जो है एक बार फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन शो करे और क्या दे दे? क्यूप्रिक नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, इस प्रकार। इसके 2 मोल और इसके 4 मोल। क्लियर है बात? अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही रिएक्शन हो तो नाइट्रिक अम्ल के साथ ही रही है और कॉपर के साथ हो रही है, तो इन दोनों ही रिएक्शनों में अलग अलग प्रोडक्ट क्यों प्राप्त हो रहे हैं? ये अंतर है किसका? यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर लिया है, और यहाँ इस रिएक्शन में आपको कैसा नाइट्रिक अम्ल लेना है? डाइल्यूटेड, यानी कि कैसा? पानी मिला हुआ, थोड़ा सा पतला, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है, तनु लेना, ठीक है, तनु, डाइल्यूटेड या तनु। क्लियर है? जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 1 मोल कॉपर के साथ में कम मात्रा में रिएक्ट करके इस तरीके से क्यूप्रिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि यहाँ देखिए डाइल्यूट अगर HNO3 है तो डाइल्यूट HNO3 कॉपर के साथ में मिलकर के ज्यादा अमाउंट चाहिएगा, डाइल्यूटेड है ना तो ज्यादा अमाउंट चाहिएगा, ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट करके ये भी कॉपर नाइट्रेट क्यूप्रिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और H2O का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्लियर है आपको बात? अब आप देखिए कि यहाँ पर कॉपर जो है वो कैसा है बेटा? ऑक्सीकरण अंक कॉपर की कितनी है? 0। जबकि रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा? 2+। बोलिए बात समझ में आ रही क्या?
देखो कॉपर का 2+ अंक है, NO3 पे -1 चार्ज होता है ना। इसकी टोपी इसके पैर में, इसकी टोपी इसके पैर में है, तो इसकी टोपी कितनी है 2 है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है क्योंकि धन विद्युतीय धातु है ये। यहाँ भी वे सेम, देखो कॉपर 0 और यहाँ पर कॉपर पर कितना चार्ज है बेटा, 2+ चार्ज है ना। इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। किसने किया है, अपना नाइट्रोजन ने किया है। क्यों किया है, देखो नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा, +5। कितना है यहाँ पर, +5। यहाँ पर देखो आप नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर भी +2 है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक कम हुआ है। इसका मतलब ये कैसा हुआ है बेटे, रिड्यूस हुआ है। यहाँ देख लो आप NO2 में, NO2 में ऑक्सीकरण अंक जो है नाइट्रोजन का वो है +4 और NO में है +2, तो इसका मतलब +5 से +2 होना, ऑक्सीकरण अंक का कम होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ भी +5 से +2 जाना, +5 से +4 जाना है, क्या दर्शाता है, नाइट्रोजन का अपचयन दर्शाता है। और अपचयन दर्शाता है तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है कॉपर का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। इसी प्रकार से हम जिस प्रकार कॉपर की रिएक्शन हमने पढ़ी है, उसी प्रकार से हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, हमारी जिंक के साथ रिएक्शन। यही नाइट्रिक अम्ल जैसे कॉपर के साथ में रिएक्ट किया है, वैसे ही जिंक के साथ भी रिएक्ट करेगा। किस प्रकार करेगा, सेम टू सेम। देखिए जिंक भी नाइट्रेट बनाएगा, ये लो जी, जिंक भी जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में करेगा। यदि आपने सांद्र लिया तो आपको ये कम अमाउंट में लेना पड़ेगा, यदि आपने सांद्र लिया तो ये आपको कितना कम अमाउंट में लेना पड़ेगा, यानी कि कितने मोल लेने पड़ेंगे, सिर्फ 4 ही मोल लेने पड़ेंगे बिल्कुल उसकी तरह। और ये भी क्या बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक का नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा और यहां से मुक्त होने वाले जो कंपाउंड होंगे सेम, ट्वाइस ऑफ NO2 एंड ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। और वापिस जिंक अब अगर डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट करें तो देखो डाइल्यूट वाली रिएक्शन इससे थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आपको 4 मोल जिंक के लेने पड़ेंगे और 10 मोल डाइल्यूट HNO3 के लेने पड़ेंगे, तनु HNO3 के कितने मोल बच्चों, 10 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहां से जो जिंक नाइट्रेट आपको प्राप्त होगा वो इस प्रकार, और यहां से एक गैस आपको मिलेगी N2O और साइड प्रोडक्ट 5H2O। अब बताइए N2O जो गैस है ये कौन सी गैस है, N2O जो गैस है वो कौन सी गैस है बच्चों, हंसाने वाली गैस है ना, बोलो। इस रिएक्शन पे आपको हंसी आएगी जब 4 मोल जिंक 10 मोल डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर हास्य गैस N2O मुक्त हो रही है, क्लियर है बात। तो ऊपर वाली रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन जब इन दोनों की करवाई तो सेम प्रोडक्ट आपको मिले हैं, बस जिंक की जगह पे कॉपर और कॉपर की जगह पे जिंक प्राप्त हुआ है। बट जब डाइल्यूट HNO3 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई है तो कॉपर ने डाइल्यूट HNO3 के साथ में क्या दिया था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया था, और ये क्या दे रहा है, लाफिंग गैस दे रहा है। तो जिंक के ऊपर आपको क्या आएगी, हंसी आएगी, क्लियर है बात। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं चीजों को। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाओं में ही मैं आगे की बात करती हूँ। अब देखो एल्यूमिनियम और क्रोमियम कुछ धातुएं ऐसी हैं, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, कि भाई एल्यूमिनियम व क्रोमियम ये ऑक्सीजन के साथ में उच्च बंधुता दिखाती हैं। क्यों ऐसा होता है, देखो एल्यूमिनियम और क्रोमियम की ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता का कारण क्या है, कि ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है, क्योंकि क्या होता है जब एल्यूमिनियम और क्रोमियम की ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करवाई जाती है ना बेटा, तो ऑक्सीजन के एक रक्षक परत एल्यूमिनियम के ऊपर और क्रोमियम के ऊपर बन जाती है, Al2O3 की एक रक्षक परत यहाँ पर बन जाती है। रक्षक परत बनने की वजह से ये इसको बचा के रखती है, जिससे ये अपनी
सतह पर ऑक्साइड की रक्षक परत का निर्माण कर लेती है। रक्षक परत जैसे Al2O3 व Cr2O3, इस प्रकार से रक्षक परत का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, एक रक्षक परत यहाँ पर बन जाती है, इसलिए ये धातुएं जो है सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए ये धातुएं सांद्र HNO3 के, देखो हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम की यदि तुम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करवाएंगे तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है ना वो एल्यूमिनियम और क्रोमियम के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर ऑफ Al2O3 की या Cr2O3 की बना लेगा। अब वो लेयर जो है ना वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को और ज्यादा एल्यूमिनियम पर या क्रोमियम पर रिएक्ट नहीं करने देगा। तो एल्यूमिनियम और कॉपर के क्रोमियम के जो बर्तन होते हैं या एल्यूमिनियम और क्रोमियम के जो कंटेनर्स होते हैं या जो इनके पात्र होते हैं, इन पात्रों में आप HNO3 को अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवाने के काम में लिया जा सकता है एल्यूमिनियम या क्रोमियम को। ठीक है भाई, आपको पता है HNO3 जो है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये कॉपर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक के साथ भी रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एल्यूमिनियम के साथ में भी एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना चाहिए था, क्रोमियम के साथ में मिलकर के भी इसको क्रोमियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना चाहिए था। बट क्या हो रहा है, यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर HNO3 को लेके जाना है तो आपको किस तरह के पात्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या वो या तो एल्यूमिनियम का बना हुआ हो या फिर वो क्रोमियम का बना हुआ हो। तो क्रोमियम या एल्यूमिनियम के जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में फटाक से रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रति इनकी कैसी होती है, उच्च बंधुता होती है। इस उच्च बंधुता की वजह से ये क्या करते हैं, अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक रक्षक परत Al2O3 व Cr2O3 का निर्माण कर लेते हैं, जिससे आप, इसलिए ये जो धातुएं हैं वो सांद्र HNO3 के ट्रांसफर में काम आती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर HNO3 को ले जाने के लिए आप एल्यूमिनियम या क्रोमियम के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है कि गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब मैडम यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम की बात क्यों कर रही है, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम भी तो धातुएं हैं भाई, जैसे कॉपर धातु है, जिंक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, क्रोमियम धातु है, ऐसे गोल्ड और प्लेटिनम भी धातुएं हैं। ठीक है, तो गोल्ड को क्या हम बोलते हैं बच्चों, ऑरम, और प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, पीटी। ठीक है, ऑरम और प्लेटिनम कैसी धातुएं बेटे, अक्रिय धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, सबसे पहली बात तो मैं यहां लिख देती हूं, ये कैसी धातुएं हैं, अक्रिय धातुएं हैं, अक्रिय धातुएं। अच्छा है ना, अक्रिय धातुएं तभी तो महंगी है, आभूषण इन्हीं के बनाए जाते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के, है ना, ज्यादा महंगे धातु यही है ना, गोल्ड और प्लेटिनम क्यों है, क्योंकि ये अक्रिय धातुएं हैं। मान लीजिए अगर ये धातुएं भी और धातुओं की तरह क्रियाशील होती है ना, मान लीजिए कि पानी के साथ में अभिक्रिया करके ये भी हाइड्रोक्साइड वगैरह कुछ बना लेती, तो आपने बढ़िया सोने की चेन बनाई, आते ही आप नहा लिए, बन जाता हाइड्रोक्साइड। इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम अक्रिय धातुएं हैं और यही आभूषण बनाने में काम में ली जाती हैं, ताकि ये इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं और लंबे टाइम तक अक्रिय रूप से पड़ी रहती हैं। अब इन अक्रिय धातुओं को यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl या किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में यदि एसिड जो एसिड और बेस जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने अलग अलग भागों में विभाजित किया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड वीक बेस है ना, तो इनके जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में यदि आप ऑरम और प्लेटिनम को घोलोगे ना तो भी रिएक्ट नहीं करती, इतनी भयंकर वाली क्रिय गैसेस होती हैं, ठीक है। परंतु यदि इनको घोलना हो है ना, ऑरम व प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसी अक्रिय धातुएं कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जैसे प्रबल अम्लों में नहीं घुलती, ठीक है भाई। अब नहीं घुलती तो क्या करें, फिर भी हम हैं कौन, इंसान। अब इंसान का क्या काम है, अब हम क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि ऑरम और प्लेटिनम जैसी जो अक्रिय धातुएं हैं ये भी किसी न किसी अम्ल में घुलने लगे। तो परंतु तो हमने एक जुगाड़ लगाया, हमने क्या किया, हमने बनाया एक्वा रेजिया। क्या बनाया बेटा, एक्वा रेजिया। अब ये एक्वा रेजिया अम्लराज, नाम क्या है इसका, अम्लराज, इसने खुद ने अपना नाम डाल लिया, परंतु अम्लराज या एक्वा रेजिया में घुल जाती हैं। अब यार ये अम्लराज क्या चीज है, हमने तो एक ही पढ़ा था अम्लों का राजा, कौन होता है अम्लों का राजा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। परंतु अब देखो कोई बालक राजा बनने की उम्मीद रखता है ना, परंतु वो राजा नहीं बन पाता है तो नाम ही राजा रख लेता है, तो ये भी इसने भी वही किया, क्या अम्लराज नाम रख लिया। अब अम्लराज रखने से या राजा नाम रख लेने से कोई राजा थोड़ी हो जाता है, है भाई। अम्लराज या एक्वा रेजिया क्या होता है बेटा, HNO3 सांद्र HNO3 और HCl सांद्र HCl का मिक्सचर होता है, एक निश्चित प्रपोर्शन में, एक निश्चित रेशो में, एक निश्चित प्रतिशत में, यहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का मिक्सचर होता है। देखो 1:3 के रेशो में इसको लिया जाता है, 1:3 में इन्हें लिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 25% मात्रा इसकी और 75% मात्रा इसकी ली जाती है। तो देखिए एक्वा रेजिया का मतलब होता है 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl, यानी कि 1 मोल HNO3 और 3 मोल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जब आप मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्वा रेजिया मिलता है। अब आप अगर कंफ्यूज हो जाएं कि भाई किसका अनुपात कितना है, तो देखो इसका नाम देखो इतना सा है ना, छोटा सा, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब नाम लिखते हैं तो आपको बड़ा नाम नजर आता है। देखो ये लाइन इतनी सी और ये लाइन इतनी बड़ी नजर आ रही है ना, तो बड़ा नाम बड़ा अनुपात, जिसका नाम बड़ा उसका अनुपात भी बड़ा है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कैसा है, बड़ा नाम है भाई, नाम कैसा है, बड़ा है, बड़ा नाम, इसका कैसा, छोटा नाम, ये बड़ा नाम है तो इसका अनुपात भी कितना है, बड़ा है, कितना है, 75% है भैया, बड़ा अनुपात। और ये कौन है, छोटा अनुपात, जिसका नाम बड़ा उसका अनुपात भी बड़ा, जिसका नाम छोटा उसका अनुपात भी छोटा। तो इस तरीके से वो रिलेट करके भाई, जब आप रिलेट करेंगे तब आपको अपने आप चीजें आने लगेंगी, मुझे आता है तो मैंने रिलेट कर दिया, आप भी पढ़ो आपको भी आएगा, क्लियर है। तो एक्वा रेजिया जैसे जो अम्ल होते हैं इनमें HCl या HNO3 मिक्स हो सकते हैं, घुल सकते हैं। कैसे होते हैं, देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि जब 1 मोल HNO3 3 मोल HCl के साथ में अभिक्रिया करता है ना बेटा, तो ये देता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड देता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर क्लोरीन गैस भी देता है और यहाँ से H2O भी मुक्त होती है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्लोरीन और ये H2 आपको मिला है ना, ये रिएक्ट करते हैं किनके साथ में, गोल्ड के साथ में और प्लेटिनम के साथ में। तो देखिए आपके NCERT में रिएक्शंस दी हुई हैं कि किस प्रकार से आप गोल्ड या प्लेटिनम को एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं, तो देखिएगा वो रिएक्शंस को, ये एक संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं बात करती हूँ गोल्ड की और इधर मैं बात करूंगी प्लेटिनम की, क्लियर है, दिख रहा है। यदि हम गोल्ड में एक्वा रेजिया डालें
तो कैसी बात होगी, ऐसी बात होगी। ये जो गोल्ड है ये क्लोरीन के साथ में, मतलब 2 मोल गोल्ड जो है 3 मोल डाइक्लोराइड के साथ में मिक्स होकर के क्या बना लेगी, AuCl3, यानी कि गोल्ड का ट्राइक्लोराइड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ये जो गोल्ड का ट्राइक्लोराइड है ये HCl के साथ में रिएक्ट करके आपको देगा, AuCl का 4 टेट्राक्लोरो ऑरेट यहां से आप लोगों को मिलेगा। ये एक संकुल आयन है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से ये रिएक्शन दी हुई है, वही रिएक्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है कि गोल्ड में यदि आप एक्वारेजिया डाल देते हैं, तो गोल्ड को यदि आप एक्वारेजिया में डालें या गोल्ड में एक्वारेजिया डालें की बात है, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे बात एक ही है ना, कटना खरबूजे नहीं है। तो गोल्ड गोल्ड क्लोरीन के साथ में मिलकर के क्या बनाएगा, गोल्ड का ट्राइक्लोराइड बनाएगा। अब ये गोल्ड का जो ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, गोल्ड का जो ये ट्राइक्लोराइड है ये बाद में HCl के साथ में मिलकर के इस तरीके से एक संकुल यौगिक का निर्माण करेगा। संकुल यौगिक का निर्माण कर लिया, इसका मतलब ये घिर गया है, देखिए आप घिर गया चारों तरफ से, इधर से हाइड्रोजन ने घेर लिया, उधर से क्लोरीन ने घेर लिया। इसी प्रकार यदि हम गोल्ड के बाद में प्लैटिनम की बात करें, यदि हम प्लैटिनम में एक्वारेजिया डाल दें, प्लैटिनम की यदि हम बात करें, तो क्या होगा, प्लैटिनम भी इसी तरीके से संकुल का निर्माण करेगा। देखिएगा कैसे प्लैटिनम प्लैटिनम भी क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होकर के प्लैटिनम का टेट्राक्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ये जो प्लैटिनम का टेट्राक्लोराइड है ये बाद में HCl के साथ में रिएक्ट करके प्लैटिनम का टेट्राक्लोराइड जो है HCl के साथ में रिएक्ट करके ये भी संकुल आयन का निर्माण करेगा। किस प्रकार से देखिएगा, ये देखिए H2PtCl6 हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट का निर्माण यहां पर ये करेगा। हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरो ऑरेट, इस टाइप के संकुल यौगिकों का निर्माण करके ये एक्वारेजिया में घुल जाते हैं। देखिए अम्लराज या नाइट्रिक अम्ल में घुलता है। अम्लराज क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में या 75% और 25% में जो रेशो होता है वो लेते हैं। अब कौन 75% कौन ज्यादा लेना है कौन कम लेना है ये डिपेंड करता है क्या, इसके नाम के, नाम पर डिपेंड नहीं करता, वो हमने समझने के लिए बताया था, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्पेलिंग बड़ा है, देखो ज्यादा बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम बड़ा अनुपात, 75% अनुपात किसका, HCl का, और कम अनुपात किसका, HNO3 का। HNO3 और HCl जब मिलते हैं तो यहां से आपको नाइट्रोसिल क्लोराइड और क्लोरीन मिलते हैं, इसको आप एटॉमिक क्लोरीन के फॉर्म में लिखते थे, Cl2 मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, पर ये यहाँ पर 2Cl के फॉर्म में यहाँ पर मिलता है और H2O यहाँ से फ्री होती है। जब आप एक्वारेजिया में गोल्ड डालते हैं, गोल्ड डालते हैं तो क्लोरीन के साथ में मिलकर के पहले ये ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ये ट्राइक्लोराइड बाद में HCl के साथ में मिलकर के संकुल यौगिक का निर्माण करती है। उसी प्रकार से प्लैटिनम भी क्लोरीन के साथ में मिलकर के टेट्राक्लोराइड बनाती है और बाद में HCl के साथ मिलकर के संकुल यौगिक का निर्माण करती है। तो ओवरऑल इस तरीके से प्लैटिनम और गोल्ड जैसी अक्रिय धातुएं एक्वारेजिया जैसे अम्लों में घुल जाती है। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, होप आप लोगों को समझ में आओगे बच्चों, बाय। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।